एक साल पहले जो है एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें फार्म स्टोर के जो नोटिफिकेशंस हैं उनको स्टॉप करने के और रिमूव करने के रिगार्डिंग वो वीडियो थी। अब वो वीडियो पुरानी हो चुकी है, उसके नीचे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये वाला तरीका काम नहीं कर रहा मेथड। तो फार्म स्टोर जो है वो ज्यादातर इन्फिनिक्स और टेक्नो के मोबाइल्स में आता है, और इसको जो है वो डिसेबल करने के लिए सेटिंग्स में आप लोगों ने जाना है। डिसेबल हमने पिछली वीडियो में भी इसको कर दिया था, मगर उसके बावजूद भी ये खुद ब खुद अपडेट होकर जो है वो कुछ चेंजेस ला रहा है। आप लोगों ने सेटिंग्स पे जाने के बाद एप्स एंड नोटिफिकेशन पर जाना है, और इसके बाद आप लोगों ने जो है वो सी आल जितनी भी आपकी एप्स हैं उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये लोड होगा यहाँ पर, और जितनी भी आपकी एप्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी, और इसमें पाम स्टोर यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने जाना है। ये देखिए डिसेबल्ड लिखा आ रहा है पाम स्टोर, मगर उसके बावजूद जो है ये जब भी आप लोग वाईफाई एक दो दिन के बाद जब मतलब ज्यादा अरसे के बाद जो है वो खोलते हैं तो ये आपको यहाँ पर ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह देता है, तो इस पर आप लोगों ने टैप करना है। ये डिसेबल हुआ हुआ है मगर फिर भी ये जो है आपको नोटिफिकेशन शो कर रहा है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर आप टैप करना है, और उसके बाद शो नोटिफिकेशन जो है ये इनेबल हुआ हुआ है। पिछली वीडियो में हमने इसको डिसेबल किया था जो एक साल पहले मैंने बनाई थी, मगर ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दोबारा जो है वो कुछ अपडेट्स होने की वजह से यहाँ पर जो है ये खुद ब खुद जो है वो शो नोटिफिकेशन वाला जो है वो इनेबल हो गया। इसको आप लोगों ने टैप करके डिसेबल कर देना है, अब आपके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे क्योंकि आपका पाम स्टोर डिसेबल भी हो गया है और नोटिफिकेशंस भी इसके जो है वो ऑफ हो गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।